नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आई नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र बनारस का दौरा। भारत पाक मैच के बाद पंजाब में कश्मीरी छात्रों से मारपीट का आरोप। जम्मू कश्मीर सीआरपीएफ चेकपोस्ट के पास गोली लगने से युवक की मौत। क्या था गांधी और सावरकर का रिश्ता? और आखिर में कोरोना अपडेट, देश में 14,000 से ज्यादा नए मामले, 443 मरीजों की मौत। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के दौरे की। दीपावली से पहले आज मोदी एक बार फिर से बनारस पहुंचे हैं। फिर नई योजनाओं परियोजनाओं के नाम पर 5200 करोड़ की सौगात दी। मोदी ने रैली में फिर बड़े बड़े दावे और वादे किए, लेकिन इस बीच कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब बनारस के लोगों को अपने सांसद और प्रधानमंत्री से चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सौगातों की झड़ी में इस शहर के सांसद ने पिछले 7 सालों में बनारस का कितना कायाकल्प किया। बेतरतीब चलने वाले शहर में आखिर कहां गुम हो गया इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम? नमामि गंगे मिशन से लेकर इनलैंड वाटरवेज परियोजनाएं बेअसर क्यों हैं? सर्दियों में जाम का झाम, गर्मियों में पेयजल के लिए मारपीट और बारिश के दिनों में ताल तलैया बनती सड़कें देखकर हर कोई कह देता है यह मोदी का क्योटो है। बनारसियों के लिए क्योटो दुनिया का कोई शहर नहीं, सिर्फ एक जुमला है। ऐसा जुमला जो शहर में आफत विपत आने पर हर एक की जुबान पर तैरने लगता है। बनारस के तमाम पत्रकार और बौद्धिक कहते हैं कि मोदी के बीते 7 सालों के सौगातों को जोड़ दिया जाए तो वह रकम 50,000 करोड़ से ज्यादा ही निकलेगी। इतनी बड़ी धनराशि से एक नया बनारस बसाया जा सकता था, लेकिन आज बनारस न पुराना काशी रहा न नया क्योटो बना। विजय विनीत की यह पूरी रिपोर्ट आप हमारी हिंदी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। अब एक ऐसी खबर जो हमें लगातार शर्मिंदा करती है। जी हां, क्रिकेट के नाम पर सांप्रदायिकता के खेल की। T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान से 10 विकेट से हार गई, लेकिन इसके नाम पर बहुत लोगों ने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। आरोप है कि इस मैच में भारत की हार के बाद पंजाब के कॉलेज में कश्मीरी छात्रों से मारपीट की गई। संगरूर के भाई गुरदास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कश्मीरी छात्रों ने आरोप लगाया है कि जब मैच खत्म हुआ और भारत हार गया तब उनके कमरों के बाहर कई लड़के आए और उन्हें पीटने लगे, साथ ही उनके कमरे में भी तोड़फोड़ की। यह खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। हिंसा के ऐसे ही मामले खरर के कॉलेज से भी आए हैं। आपको बता दें कि संगरूर के इस कॉलेज के कश्मीरी छात्रों ने मारपीट का इल्जाम यूपी और बिहार के छात्रों पर लगाया है। सोशल मीडिया पर इस मामले के वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें घायल छात्र इस घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। एसएसपी संगरूर स्वपन शर्मा के अनुसार मारपीट पहले यूपी बिहार के छात्रों ने की, जिसके बाद कश्मीरी छात्रों का भी उनसे झगड़ा हुआ। एसएसपी ने कहा कि दोनों पक्षों ने आज सुबह एक दूसरे से माफी मांग ली है और मामला खत्म हो गया है। अब खबर कश्मीर से। रविवार को जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के बाबापोरा गांव में सीआरपीएफ चेक पॉइंट के पास एक 20 साल के युवक की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। सीआरपीएफ चेक पोस्ट के पास स्थानीय निवासी की मौत की यह दूसरी घटना है। 20 साल का शाहिद सेब के बगानों में काम करता था। पुलिस का कहना है कि शाहिद की मौत क्रॉस फायरिंग में हुई, मगर परिवार वाले इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सुरक्षा बलों ने शाहिद की हत्या की है। हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों के बाद से कश्मीर में हालत नाजुक बने हुए हैं, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी कश्मीर का दौरा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस CPIM और अपनी पार्टी के नेताओं ने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि सिर्फ घटना की निंदा करना काफी नहीं है, आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। और अब कुछ विशेष। इतिहास के पन्ने मेरी नजर से के नए अंक में वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन ने बात की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस दावे की कि गांधी के कहने पर सावरकर ने अंग्रेजों को माफीनामा दिया था। नीलांजन सावरकर के इतिहास के बारे में बता रहे हैं, देखिए यह खास वीडियो। सावरकर कौन थे और हम भारतीयों को उन्हें कैसे याद करना चाहिए या कैसे याद रखना चाहिए? क्या वे वीर थे या कायर? Was Savarkar a staunch nationalist as his supporters make him out to be? Or was he someone who helped colonial forces by promoting
divisiveness amongst Indians. सावरकर की आकलन की बात की शुरुआत मैं 1906 के लंदन में अक्टूबर की एक सर्द शाम की घटना से करूंगा. वन ब्राह्मिन, अ महाराष्ट्रियन ब्राह्मिन, वॉज सॉटिंग प्रॉन्स इन हिज रूम इन इंडिया हाउस एंड ही वॉज प्लेइंग होस्ट टू अ वेजिटेरियन वैश्य गुजराती हु वॉज इन टाउन टू लॉबी फॉर द राइट्स ऑफ इंडियंस लिविंग इन साउथ अफ्रीका. भोजन तैयार होने के बाद उन्होंने अपने मेहमान को खाने के लिए आमंत्रित किया. अतिथि ने कहा वे शाकाहारी था. सुनने पर होस्ट ने मजाक में कहा, बिना एनिमल प्रोटीन खाए आप अंग्रेजों की ताकत को कैसे चुनौती दे सकते हैं. सावरकर और गांधी के बीच ये पहली मुलाकात थी. देयर डिफरेंट choices of food were symbolic of a lifelong dichotomy between their political outlooks. Savarkar viewed nationalism from an exclusivist prism, while Gandhi was wanting to unite every community irrespective of their religious identity. Us samay Savarkar London mein 23 saal ke kanoon ke chhatr the. Gandhi महात्मा नहीं थे और तब केवल एक भारतीय वकील थे. वे जोहान्सबर्ग में सत्याग्रह शुरू करने की तैयारी कर रहे थे. दोनों भारत के गौरवशाली अतीत को फिर से जीवित करना चाहते थे, परंतु गांधी की रामराज्य का आदर्श सावरकर के हिंदू राष्ट्र की कल्पना से बिल्कुल अलग था. उस सर्द शाम गांधी सावरकर के घर से ना सिर्फ खाली पेट लौटे, उन्हें सत्याग्रह के लिए भी समर्थन नहीं हासिल हुआ. द मीटिंग डिस्टर्ब्ड गांधी इमेंसली. एज लेट एज 3 years लेटर ही रोट टू गोपाल कृष्ण गोखले. ही शेयर्ड हिज रिमोर्स अबाउट सावरकर्स व्यू पॉइंट ऑफ एडॉप्टिंग वायलेंस एज अ लेजिटिमेट पोलिटिकल टूल to overthrow the British. ऐसा लगता है हिंसा और हिंसक गतिविधि ने सावरकर का साथ कभी नहीं छोड़ा. 5 फरवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के छठे दिन सावरकर को उनके हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया. He was acquitted a year later in February 1949. But the Jeevan Lal Kapoor Commission of Inquiry into conspiracy to murder Mahatma Gandhi that was appointed later, it stated that the needle of suspicion pointed to Savarkar's involvement in the plot. और आखिर में हम बात करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार यानी 25 अक्टूबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के 14,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा कोरोना से बीते दिन में 443 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें से केरल में 24 घंटों में 71 मरीजों की मौत हुई है. हालांकि केरल में आज फिर से पुनः संशोधित आंकड़ों को जोड़ने पर 363 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं. साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 18,762 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 4,800 मामले कम हुए हैं. देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 3,41,00,000 से ज्यादा हो गई है, जिनमें से अब तक करीब 4,54,000 लोगों की मौत हो चुकी है. देश में कोरोना से पीड़ित 3,35,00,000 से ज्यादा मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या घटकर करीब 1,60,000 हो गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 102 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 12,30,000 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है. इसके अलावा देश के कई अस्पतालों ने त्योहार के सीजन को देखते हुए अपने कोविड वार्ड को फिर से शुरू कर दिया है, क्योंकि कोविड के मामले कम नहीं हो रहे हैं. पश्चिम बंगाल में भी त्योहारों के सीजन की वजह से कोविड मामलों में बढ़ोतरी हो रही है. आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही. न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें.
फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।